नाते की जय। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप को हम माँ कात्यायनी के रूप में जानते हैं। कात्यायनी माँ का नाम जो पड़ा उसके पीछे का जो कथानक है वो इस प्रकार है कि कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। इनके पुत्र ऋषिवर कात्य हुए। इन्हीं के कात्य के पुत्र आगे जो गोत्र में प्रसिद्ध हुए वो ऋषिवर कात्यायन जो सर्व प्रसिद्ध है वे उत्पन्न हुए। उन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए अनेक वर्षों तक अत्यधिक कठिन तपस्या की तथा उनकी मानसिक इच्छा यह थी कि वे माँ भगवती को अपने घर में एक बार पुत्री के रूप में जन्म लेते हुए उत्पन्न होते हुए देखें। और माँ भगवती ने भी उनकी यह प्रार्थना सहज रूप से स्वीकार कर ली और ये कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी। इसीलिए माँ का एक नाम कात्यायनी भी पड़ा। माँ कात्यायनी की श्रद्धापूर्वक की गई भक्ति से साधकों को चारों प्रकार के पुरुषार्थ अर्थात अर्थ धर्म काम व मोक्ष चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। निसंदेह इसमें कोई संदेह नहीं है। इनके अतिरिक्त भी साधक गण भगवती जगदम्बा से अपने मन इच्छित हर प्रकार के मनोरथों को भगवती की आराधना करके प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्र का यह पावन पर्व समय जो अभी वर्तमान में आगे चलने वाला है चल रहा है भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए ही चुना गया है। सभी प्रकार की विद्याओं की प्राप्ति के लिए चाहे वह सांसारिक विद्या अपने एजुकेशन पढ़ाई से संबंधित हो या कोई साधु संत है तो सिद्धियों की प्राप्ति, ब्राह्मणों को अपना ब्राह्मण विद्या, कर्मकांड से संबंधित जितनी भी प्रकार की विद्याएं कही गई है भगवती कात्यायनी के द्वारा उनके जो मंत्र में बताने जा रहा हूँ उस मंत्र के द्वारा विशेष करके इन 9 दिनों में इस मंत्र को सिद्ध कर लेने पर और फिर इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहने से सर्व प्रकार की विद्याओं को व्यक्ति अपने हस्तगत कर सकता है यानी कि प्राप्त कर सकता है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो देवी कामाक्षी त्रिशूल खड़ग हस्तपादा पति गरुड़ सर्वलखी तू प्रीते समागम तत्व चिंतामणि नरसिंह चल चल 3 कोटि कात्यायनी तालव प्रसाद के ओम ह्रीम ह्रीम क्रीम क्रूम त्रिभुवन चालय चालिया स्वाहा। यह भगवती का मंत्र है। इस मंत्र को शुद्ध उच्चारण के साथ निष्ठा व भक्ति के साथ श्रद्धापूर्वक विधि पूर्वक करने से जातक को सभी प्रकार की विद्याओं का आभास हो जाता है यानी कि वह विद्याएं उनके हस्तगत हो जाती है। विधि इस प्रकार से उपरोक्त मंत्र का जाप शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले रोहिणी नक्षत्र से अगले आने वाले रोहिणी नक्षत्र तक साधक को करना चाहिए। क्या करें 7 या फिर 14 तुलसी के पत्तों को एक पात्र में इकट्ठा करके तोड़कर शुद्ध जल से धोकर उनके डंठलों को तोड़कर एक पात्र में रख लेवे।
फिर जो मैंने उपरोक्त मंत्र बताया है उस मंत्र से अभिमंत्रित करे। अभिमंत्रित करने का अभिप्राय यह है कि उस कटोरी में रखे हुए पात्र में, जिस पात्र में भी आपने रखा है तुलसी के पत्तों को, अपने मुख के सम्मुख रखे, एक बार मंत्र को बोले और फूंक मारे। इसके द्वारा अभिमंत्रण हो जाता है, मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित जो करना मैं बतला रहा हूँ इस प्रकार से किया जाता है। अभिमंत्रित कर उन मंत्रित की गई तुलसी के पत्तों को निगल जावे, गोली बना के जल के द्वारा निगल ले, उसे चाबे नहीं। चाबने से सारा उसका जो बल है वो क्षीण हो जाता है और कहीं न कहीं तुलसी के पत्ते के चाबने से दांतों के अंदर भी रोग उत्पन्न होता है। इसलिए तुलसी के पत्तों को चबाना नहीं चाहिए, निगल जाना चाहिए। और जब इस प्रकार से निगल जाएगा वह जातक, तो उसे विद्या प्राप्ति हेतु संपूर्ण शक्ति में वृद्धि प्राप्ति होती है और भगवती पराम्बा जगदम्बा की उस पर विशेष कृपा हो जाती है। फिर किसी भी प्रकार की उसके अंदर जो विद्या हासिल करने की कमी है, उस कमी को भगवती माँ कात्यायनी पूर्ण कर देती है इस मंत्र के द्वारा। इस प्रकार से यह क्रिया करने पर, बोलिए जगदम्बा मात की जय, दुर्गा भवानी मात की जय। अधिक जानकारी इस विषय पर चाहिए तो कॉल करें नीचे दिए गए नंबर पर और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष से समाधान।